हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपका कोई सा भी डिवाइस हो, अगर उसमें बायोमेट्रिक सेंसर यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर है और आप उससे को यूज में भी लेते हैं और उसकी स्पीड स्लो है, कोई सा भी डिवाइस हो, MIA 3 हो या फिर कोई से भी ब्रांड हो, अप्पो वीवो, सभी में इसकी स्पीड को कैसे दुगना करना है और इसकी स्पीड पहले के मुकाबले बहुत फास्ट हो जाएगी, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा। सिक्योरिटी ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके मोबाइल का पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपने जो ऑलरेडी 2 फिंगरप्रिंट ऐड कर रखे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट 1 और फिंगरप्रिंट 2, ये सभी डिवाइस में काम करेगी। सेम यही स्टेप आपको कोई सा भी डिवाइस हो उसमें कर लेना है। यहाँ पर 8 फिंगरप्रिंट लिखा हुआ है, वापस से इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल का पासवर्ड देना है और यहाँ पर अपनी वही फिंगर जो आपने पहले ऐड कर रखी है उसको वापस से इस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वापस से पूरी ऐड हो चुकी है, फिर हमें यहाँ पर डन कर देना है। इसके बाद में वापस से हमें डबल से ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और फिर वापस से वही फिंगर को डबल से ऐड करना है थंब को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल से जो है हमने इसको ऐड कर ली है, मतलब 3 बार एक ही थंब को हमने ऐड कर लिया है और फिर डबल से हमें वापस से एक बार और इसी थंब को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपने एक ही थंब को 4 बार ऐड कर लिया है। यहाँ पर एक मेरा पुराना ओल्ड थंब ऐड था, बाकी इसके अलावा चारों थंब एक ही फिंगर के हैं यहाँ के। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पीड है इसकी वो बहुत फास्ट हो चुकी होगी, ये देख सकते हैं आप। अभी ये फर्स्ट टाइम पे आपने देखा होगा तो कितना स्लो ओपन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ खाली टच करते ही ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये लेफ्ट हैंड है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर पर सिर्फ खाली हमने एक बार ही ऐड करा था, तो ये कितनी स्लो जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको कितना टाइम लगा है। अब मैं आपको राइट हैंड का भी करके बताता हूँ, ये देखिए कितना टाइम ले रहा है। सेम वैसे ही अगर हम यहाँ पर राइट हैंड को यूज़ करते हैं तो ये देखिए राइट हैंड में बहुत फास्टली जो है ये वर्क कर रहा है ये। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो थंब है वो यहाँ पर पूरी साइड से यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होता है इससे, तो इसलिए ये अनमैच हो जाता है और जल्दी ओपन नहीं होता है फोन का लॉक। तो ऐसी स्थिति में आप इसको 3-4 बार सभी जगह से ऐड कर लीजिए तो ऊपर नीचे से कहीं से भी अनमैच नहीं होगा, सभी जगह से मैच होगा तो ये बहुत फास्टली काम करेगा। तो आपको सिंपली यही स्टेप कर लेना है अपने कोई से भी डिवाइस में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।